देख लीजिए हमारी गाड़ी इंटर कर रही है चेन्नई मोड़ के अंदर। टीटी ने कितना फाइन लिया है सर? 1100 एक आदमी का 1100 दिखाओ तो। अयोध्या से 1100 रुपया लिया इसका तो ज्यादा नहीं, इसके पास ऑलरेडी टिकट पहले से होगा ना, जनरल का टिकट तो होगा पहले से। बाकी देखिए यहाँ पे खोलो इसको, ये जो जर्नी है 21 तारीख को स्टार्ट किया हो। टीटी साहब आएंगे तो उनका भी इंटरव्यू हम लेंगे वीडियो में, आने का कमी है, आने दीजिए। उसके बाद तो एलम्बूर रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत है, यानी इसे ही हम लोग इग्मोर बोलते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है इग्मोर और हिंदी में इसे एलम्बूर रेलवे स्टेशन कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग आ चुके हैं चेन्नई इग्मोर के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पे, आज का जो कि हमारा ट्रेन जर्नी होने वाला है 22614 अयोध्याकांड रामेश्वरम एक्सप्रेस। भाई मैं आप लोग को बता दूं, ये ट्रेन अयोध्याकांड से खुलती है और रामेश्वरम जाती है, मतलब कि 2930 किलोमीटर का डिस्टेंस सफर करती है। लेकिन आज हम लोग जो सफर करेंगे वो चेन्नई इग्मोर से करेंगे, यानी कि मेरा सफर होने वाला है वही 700-800 किलोमीटर तक का सफर होने वाला है इस ट्रेन। इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रिज से होकर कैसे हमारी ट्रेन गुजरेगी पंबन ब्रिज से। तो वीडियो को स्किप ना करिए, वीडियो को पूरा देखिए। देख लीजिए हमारी गाड़ी इंटर कर रही है चेन्नई इग्मोर के अंदर। भाई दिल खुश हो गया हमारे गाड़ी में WAP-7 लोकोमोटिव लगा हुआ है भाई, यानी रफ्तार के साथ चलेगी। लाला गुंडा का लोकोमोटिव है, बाकी गाड़ी में पेंट्री कोच भी है और रामेश्वरम से अयोध्या के देख लीजिए लिखा हुआ है। बाकी आगे में है जनरल क्लास दीनदयालु कोच, जिसका कंडीशन देख लीजिए पूरा तरह से भरा हुआ है भाई, और लोग डर रहे हैं, दौड़िए। यहाँ S6 यानी कि हमारा कोच है S2 आने ही वाला है भाई। स्लीपर क्लास का भी हाल बहुत बुरा है देख लीजिए। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे उतरेंगे, जो चेन्नई उतरने वाले हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ से दर्शन करने रामेश्वरम तक भी जाएंगे। S3 कोच है, उसके बाद पेंट्री है, उसके बाद S2 है, यानी पेंट्री कोच के बाद हमारा कोच है S2 और हमारा आज का कोच यही होने वाला है, जो कि काफ़ी तरह से अंदर से गंदा है। देखिए कैसे सफ़र करेंगे ये नीतीश जी बताएगा, टिकट इसी के मर्जी से कटा है। बाकी ये S1 है, चलिए हम लोग S2 के पास चलते हैं। B6 से स्टार्ट होता है, थर्ड AC, सेकेंड AC और फर्स्ट AC सब इधर ही है। चलिए हम लोग स्लीपर के पास चलते हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग बोर्ड करने वाले हैं और काफी सारे लोग यहाँ पे उतरने वाले भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चेन्नई बिहार से चेन्नई आने वाले, यूपी से चेन्नई आने वाला, सब इसी ट्रेन का उपयोग करते हैं। पर्सनली यूपी यानी अयोध्या से जितने भी लोग आना चाहते हैं यहाँ चेन्नई काम करने के लिए, कंपनी में करने के लिए काम, तो यहाँ इस ट्रेन से आके वो उतर सकते हैं यहाँ चेन्नई इग्मोर भी, क्योंकि यहाँ से बगल में ही है चेन्नई। लोकल भी चलता है, लोकल आपको पहुँचा देगा। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर का कंडीशन कैसा है स्लीपर कोच का। चलो बड़ो भाई देखिए स्लीपर क्लास का ये कंडीशन है इस अयोध्या कांड और रामेश्वरम एक्सप्रेस का। इस कोच का कंडीशन देख लीजिए, जहाँ पे हम लोग का सीट है, ये दोनों सीट हमारा है, अपर और मिडिल, सॉरी लोअर और मिडिल। बाकी देख लीजिए भाई ट्रेन का कंडीशन बहुत ही गंदा, भाई थोड़ा लाउड कम करना। और यहाँ पे मीटर देख लीजिए कितना गंदा है। तुम गंदा किया भाई? नहीं, इसने गंदा नहीं किया है। बाकी चार्जिंग काम करता है सॉकेट? चार्जिंग सॉकेट देखिए कितना गंदा है, काम कर रहा है? चार्जिंग काम करता है? हाँ, तो चार्जिंग काम कर रहा है। बाकी ये देख लीजिए इस स्लीपर क्लास का कंडीशन भाई, कोच की जो साफ सफाई है वो नियमित तरीके से नहीं की गई है, जिस वजह से पूरा कोच गंदा है देख लीजिए। और ये अपर बर्थ भी हमारा है, साइड अपर बर्थ, और यहाँ पे दोनों माता जी का जो कि RSC सीट था, जो कि अभी अयोध्या से चली हैं और रामेश्वरम जाएगी दर्शन करने के लिए। बाकी देख लीजिए इधर का कंडीशन ऐसा है स्लीपर क्लास का, और वेटिंग वाले जो कि अलाउड ना होते हुए भी यहाँ पे फाइन भर के लोग जा रहे हैं। फाइन लिया टीटी ने? कितना फाइन लिया है सर? 1100 एक आदमी का 1100 दिखाओ तो। चला देखा, हाँ तो अयोध्या से 1100 रुपया लिया इसका तो ज़्यादा नहीं, इसके पास ऑलरेडी टिकट पहले से होगा ना, जनरल का टिकट तो होगा पहले से। देखो बाकी देखिए यहाँ पे खोलो इसको,
ये जो जर्नी है 21 तारीख को स्टार्ट किया हुआ, 21 तारीख को किया है ना। कहाँ पे बैठा है तुम? अयोध्या में बैठा है, यानी कि 22 तारीख इसका चालान कटा है, रात में कटा होगा, और इससे 1150 रुपया लिया गया। यहाँ पे देखिए सरकार जो कि नियम कानून बंद करती है, फिर भी ये चालान कैसे कट रहा है, आप लोग बताइए। अब हम इसको टैग करेंगे रेल मिनिस्टर इंडिया जी को और दिखाएंगे कि ये गलत हो रहा है कि नहीं। बताइए, फाइन लिया जा रहा है ट्रेन में, जबकि अलाउड नहीं है वेटिंग वाले को स्लीपर में। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, ठीक है। कहा जाता है कि वेटिंग अलाउड नहीं है, लेकिन वेटिंग वाले भी जा रहे हैं फाइन भर भर के, और टीटी साहब हैं जो फाइन ले रहे हैं। अब टीटी साहब आएंगे तो उनका भी इंटरव्यू हम लेंगे वीडियो में, आने का कमी है, आने दीजिए। उसके बाद कैसे कटा इनका वो भी पूछेंगे हम लोग। बाकी आप लोगों ने देखा कोच कैसा था, आप लोग बताइए। वैसे 2:12 में गाड़ी हमारी यहाँ से डिपार्चर होगी, खुलेगी चेन्नई मोड़ से, और अभी रुकी हुई है, चलिए देखते हैं तब तक क्या होता है। ये देख लीजिए चेन्नई मोड़ के बाहर का रेलवे स्टेशन का व्यू, यहाँ पे साफ सफाई की मशीन चल रही है। इस समय हो रहे हैं, हटी भाई हटी, पीछे पीछे हो रहे हैं 2:14 और हमारी गाड़ी 14 मिनट समय के साथ डिले चेन्नई मोड़ के 6 नंबर प्लेटफॉर्म से खुल चुकी है। और चलिए यहाँ से करते हैं हर हर महादेव और इस यात्रा का शुरुआत करते हैं इस चेन्नई मोड़ से रामेश्वरम के लिए। बाकी देख लीजिए गाड़ी का डिपार्चर, एक मोड़ देख लीजिए गाड़ी खुल चुकी है। अभी हमारी ट्रेन एक खूबसूरत सड़कों से होते हुए क्रॉस कर रही है भाई, क्या गजब का नज़ारा है। देखिए उधर 6 लाइन हाईवे है और इधर हमारी ट्रेन चल रही है। माथा में तेल लगाया है तो कपड़ा गंदा हो जाएगा। लोगों को भूख लग गया है तो अभी हम पेंट्री में जाएंगे और खाना लेके आते हैं, वेज बिरयानी। ये ट्रेन का खूबसूरत सा हम लोग वेज बिरयानी ऑर्डर किए हैं, जो कि भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, और चलिए खा के देखते हैं कैसा है एक्चुअली में इसका टेस्ट। नो डाउट गाइस, टेस्ट बहुत अच्छा है। इस ट्रेन की निरंतर साफ सफाई जारी रहती है, देख लीजिए आप लोग भाई, साफ सफाई ट्रेन का बहुत अच्छा है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छा है। हम लोगों ने ट्रेन के पेंट्री का खाना खाया अभी, वेज बिरयानी, और भाई वेज बिरयानी बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, नो डाउट बहुत अच्छा से बनाया हुआ था। मैंने अभी तक जितना बिरयानी खाया ट्रेन का, उस सबसे अच्छा बिरयानी इसी ट्रेन का था। आप लोग भी आए इस ट्रेन में तो एक बार ज़रूर खाए, मज़ा आ जाएगा। बज के 12 मिनट में गाड़ी खुली है एक मोड़ से, तो अभी तक गाड़ी नहीं रुकी है। 4:00 और हो रहा है अभी कितना मिनट, देखो तो 4:05 हो रहा है, अभी तक गाड़ी नहीं रुका है। अब जो गाड़ी हमारी 158 किलोमीटर के बाद ही रुकेगी वेल्लुपुरम जंक्शन पे। वेल्लुपुरम तमिलनाडु के अंदर भी आता है, वेल्लुपुरम एक जिला है और जिले का मुख्यालय भी है। गाइस 158 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके गाड़ी पहुंच चुकी है वेल्लुपुरम जंक्शन, और ये देख सकते हैं भाई, ये है वेल्लुपुरम जंक्शन का प्लेटफॉर्म संख्या 4। कुछ इस प्रकार का वेल्लुपुरम है, ये तमिलनाडु के अंदर में आता है, वेल्लुपुरम एक जिला है। यहाँ पे भी कुछ किला वगैरह है घूमने वाला, बहुत फेमस, आप लोग आइए तो ज़रूर यहाँ घूमिएगा, बहुत अच्छा जगह है भाई, देख लीजिए। देखिए समोसा वगैरह मिल रहा है स्टेशन पर, और बहुत सारा चीज़ है जो कि आपको मिल जाएगा खाने पीने के लिए,
क्लियर हो चुका है। चलिए बैठते हैं भाई ट्रेन के अंदर। देखिए गाड़ी खुल चुकी है, लोग बैठना शुरू कर दिए हैं, तो हम भी बैठते हैं। चल रहे महावीर भाई अंदर, चल घुस। वेल्लूपुरम के 4 नंबर प्लेटफॉर्म से गाड़ी हमारी खुल चुकी है। ये देखिए भाई गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है वेल्लूपुरम से, और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तोड़ फोड़ के नया निर्माण चल रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेशन वगैरह बनेगा, इतना बड़ा देखिए इसका मलबा कितना बड़ा है। ये साउथ इंडिया में पड़ता है, साउथ इंडिया का रेलवे स्टेशन है वेल्लूपुरम, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोर से चल रहा है। देखिए तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया गया है पूरा, टाइल्स मार्बल सहित। यहाँ पे देखिए टीटी के द्वारा जांच चल रहा है। ये देखिए खूबसूरत सा वेल्लूपुरम जंक्शन का व्यू, क्या खतरनाक लग रहा है भाई। और वहाँ पे लगा हुआ है WDP4। बाकी चलिए सफर बहुत लंबा होते रहेगा, हम लोग 4 बजे सुबह में उतरेंगे रामेश्वरम में। बाकी सारा कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो में देखने को, कौन सा स्टेशन आएगा। अब मैं आपको 2x में दिखाता हूँ, अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का मौसम और जो स्कीप होगा बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन। वो स्टेशन पे रुकिए भाई, स्टेशन का नाम मेरे को नहीं पता है। इसका एक खराबी है कि जैसे ही सीट से उठते हैं ना बाहर वीडियो बनाने के लिए, कोई ना कोई सीट पे जाके बैठ जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं, चलिए देखते हैं अंदर, और देखिए सीट पे ज़रूर कोई ना कोई बैठ गया होगा। साइड साइड साइड। बाकी देख लीजिए, चलिए देखते हैं कौन सा लोग बैठे हैं। सीट किधर है आपका? सीट आपका सीट सीट अपने सीट पे जाइए। कौन सा सीट है वो? ओके ओके ठीक है। प्रॉब्लम है कि भाई सीट खाली रहता है, कोई ना कोई आता है बैठ जाता है, कर क्या सकते हैं। वैसे ही इनका साइड में सीट था तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। ट्रेन खुल चुकी है दोस्तों, तो फाइनली गाइस 2535 किलोमीटर का डिस्टेंस का गाड़ी पहुँच चुकी है मैलाडुतुरे जंक्शन। और भाई मैलाडुतुरे जो पढ़ने में ना मेरे को 5 मिनट लगा। चलिए आपको दिखाते हैं मैलाडुतुरे लिखा हुआ है, आप एक बार में पढ़ पाते कि नहीं बताइएगा। देखिए स्टेशन का बोर्ड है जहाँ पे गाड़ी हमारी रुकी है, और आप लोग एक बार पढ़िएगा स्टेशन का नाम क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए मैलाडुतुरे जंक्शन। और चलिए मैलाडुतुरे से हमारी गाड़ी का जो कि लाइन क्लियर हो चुका है, गाड़ी हमारी खुलने वाली है। इस तरफ है पेंट्री कोच, देख लीजिए ट्रेन का। चलिए अपने कोच में चलते हैं और बैठते हैं, और अब थोड़ा सा सीन और दिखाएंगे आपको क्लिप, जो कि ब्यूटीफुल नज़ारा होने वाला है नेचर का। देख लीजिए गाइस ट्रेन अब खुल चुकी है हमारी मैलाडुतुरे जंक्शन से। भाई जंक्शन पे ही ये बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है, देखिए देखिए जंक्शन पे ब्रिज आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। बाकी रेलवे स्टेशन देख लीजिए कितना नीट एंड क्लीन है, साउथ इंडियन का ये रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है गाइस। देखिए देख लीजिए भाई कितना मस्त लग रहा है, जितना लोग सीट पे हैं उतना सीट है उतना ही लोग हैं, एक्स्ट्रा लोग नहीं है, इस वजह से एकदम साफ सफाई एकदम बरकरार है हमारे कोच का। देख लीजिए लाइट वगैरह जला दिए हैं, सब लोग अपने अपने सीट पे आ चुके हैं। देखिए सो रहा है, और ये मोबाइल में देखिए भाई ये इन्वायरमेंट का जो साउंड होता है वो रिकॉर्ड कर रहा है। गाइस आप लोग देख सकते हैं 2567 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई एक खूबसूरत सा प्यारा सा रेलवे स्टेशन, जहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और इस स्टेशन का नाम है भाई कुंभकोणम, देखिए कुंभकोणम रेलवे स्टेशन है, और जिसके दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है। इस तरफ प्लेटफॉर्म है देख रहे हैं, और उस तरफ भी प्लेटफॉर्म है गाड़ी के उस तरफ। बाकी काफ़ी खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। इंडिया का जितने भी रेलवे स्टेशन है इसका एक खासियत मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई यहाँ पे जो कि क्लीनिंग रहता है ना नीट एंड क्लीन, मतलब जो स्वच्छ बनाया रहता है पूरा स्टेशन एकदम साफ रहता है। देखिए कितना एकदम साफ हवादार है, बहुत अच्छा लगता है भाई ऐसे ऐसे साफ रेलवे स्टेशन देखने में। देखिए सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, एक ही नल है पानी के लिए, इसलिए देखिए व्यवस्था तो है ना भाई पानी का। बाकी हमारी ट्रेन देख लीजिए पीला वाला कोच हमारा ही है, क्योंकि अंदर से तो ठीक है बाहर से देख लीजिए कैसा है। हम लोग खा रहे हैं यहाँ का ट्रेडिशनल फूड, देख लीजिए इडली बड़ा, सॉरी इडली डोसा,
इडली है और ऊपर से हम लोग चटनी रखेंगे केला के पत्ता पे। देखिए ये, देखिए ये होती है राजा वाली पीस। जानता है देखिए इनका स्टैंडर्ड वेज मील कैसा है, अनबॉक्सिंग करो भाई जल्दी जल्दी से और फिर देखना है हमें कैसा है। और हमने अपने लिए जो कि वेज बिरयानी ऑर्डर किया है, लेकिन मैं आपको स्टैंडर्ड वेज मील दिखा देता हूँ। 80 का थाली भाई, 80 का थाली ये आया है जिसमें देखिए चावल का क्वांटिटी घटा दिया गया है, दाल को पतला कर दिया गया है, ये चेंज हो गया और ये चेंज हो गया है, बाकी सब कुछ ठीक है। रोटी दिया गया है उधर देख लीजिए। तो ये है 80 वाली थाली। तो आप लोग भी जब भी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो कृपया यही खाना खाएं, ये खाना सही है, इसमें उसको एक्स्ट्रा प्राइस लेने में नहीं बनेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों हमारा जो सीट था वो था साइड अपर, लेकिन हमने ये प्रेफर किया मिडिल बर्थ, इसमें हम लोग बैग वगैरह रख दिए हैं और खाना वगैरह खा लिए है। और इसके पेंट्री स्टाफ का जो बिहेव था थोड़ा रूड था। 80 का स्टैंडर्ड भी जाता है, मैंने बोला स्टैंडर्ड वेज मील में एक दही या मिठाई आता है, वो बोल रहा है कि नहीं ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैंने बोला उसको कि भाई कम से कम अच्छा से पढ़ लो, तुम्हारे कानून नियम बनाने से नहीं चलने वाला है। तो थोड़ा मिसबिहेव किया, बट कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा जो होगा। चलिए अब सोने का वक्त आ गया है, सोते हैं। ये दोस्तों पानी का ओवरफ्लो हो चुका है ट्रेन में। तो गाइस समय हो रहे हैं 2:05 सुबह के, और सुबह तो नहीं बोल सकते हैं, रात ही है, और गाड़ी पूरा खाली हो चुका है, मतलब समझ रहे हैं ना, हमारा डेस्टिनेशन बिल्कुल आ चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं मंडपम। तो ये हमारा पावन भूमि रामेश्वरम का मंडपम देख लीजिए, जहाँ पे गाड़ी हमारी पहुँच चुकी है बिफोर 30 मिनट्स। पूरा ट्रेन खाली हो गया, खाली हो गया, देखिए पूरा ट्रेन खाली हो गया। यहाँ पे देख लीजिए भाई, यहाँ पे है टिकट काउंटर ऑफिस, और सुबह सुबह बहुत ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, देखिए इस रामेश्वरम में। और चलिए हम लोग उस तरफ चलते हैं क्योंकि उस तरफ ही है सब कुछ। इधर एक ट्रेन भी आ रहा है भाई, पता नहीं सुबह सुबह कौन ट्रेन आ रहा है, सुबह भी ट्रेन यहाँ पे चलता है, बताइए। चलिए आज की इस जर्नी को दोस्तों यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और अब यहाँ से नेक्स्ट जर्नी शुरू करेंगे मंडपम टू रामेश्वरम, क्योंकि भाई रामेश्वरम भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों के लिए, बाय। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑटो है, टैक्सी है इस मंडपम में, और ये है रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू। देखिए बाहर से कुछ ऐसा दिखता है मंडपम रेलवे स्टेशन, देखिए